हाँ बजट का। और क्या बोल रही थी मैं, आउटफिट अपना दिखाया वो ना, हमने ऑन कैमरा झगड़ा कर ही नहीं जा। ऑन कैमरा का है तो बट नहीं बड़ो ही मका। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल भाई। हे गुड्डू। तो दीदी यहाँ पे बना रही, सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे बना रही है पापड़ी चाट। किस खुशी में दीदी? ये मेरी सखी के घर से आया है। वाह, आयुषी ने मेरे लिए भिजवाया है। आयुषी भी, आयुषी की मम्मी ने। देखिए इतना सारा, और इसमें भी पता नहीं बहुत टेस्टी पूड़ी है जो मैंने अभी खाया। आयुषी ने इसको वो खस्ता आलू है यार ना, ये खस्ता के साथ खाते हैं। अच्छा। ये धनिया आलू है, इतना टेस्टी लगता है ना। मतलब उनकी मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा खाना बनाती है। तो आंटी ने ये भेजा है तुम्हारे लिए, ये खा लो। ऐसा कि हम जाने वाले थे कहीं पे पर हम नहीं गए, बारिश होने लगी और दीदी कह रही है कि है ये, तो हम लोग नहीं गए ना। दीदी ये डाल दो ना, डाल दे। चलो स्टार्ट करो, जल्दी आओ जल्दी आओ। पहले पेट पूजा कर लेते हैं फिर मिलते हैं। लेकिन मैं सोच रही पूरा लुक दिखाऊं, मतलब पूरा कैसे बन गई बा। ऐसा बन चुका है। एक रतिका ही कुछ चटनी ना चाहते हो? तो कुल मिक्स बन चुकी है, मीठा तीखा सब, दही भी मिक्स है उसमें। चलो चलो चलो, यहाँ पे अपना पूरा थाली उठा के और इंजॉय करने वाली है, बताएगी खा के कैसा बना है। छोटा कोई सब उठाओ प्रियंका, बस तुम बताओ कैसा बना। चटनी चाहिए तो और उसमें मिला लो। वाह वाह, एकदम बाजार से भी टेस्टी लग रहा है ना झिलू। तो यहाँ पे ये जितना सारा है ना थाली में, सब प्रियंका के लिए ही है। तो मैंने इसको बोला सब खत्म कर लो। फिर ये जो धनिया आलू आपको दिख रहा है ना, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, इतना ज़्यादा टेस्टी कि मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पे चटनी डाल डाल के प्रियंका सब ख़त्म कर जाएगी। तो ये खा लेगी, उसके बाद दूध लाए हैं, दूध का चाय बनेगा। ये रहा 10 रुपये का दूध। ये वाला आलू भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये खस्ता, ये देख रही हो ना जो पापड़ी चाट, ये मैं 25-30 खाई हूँ, फिर गोलगप्पे खाई हूँ। गुड मॉर्निंग। चाय तो मैं सुबह उठ के ना, दीदी बोली थी कि 10 बजे तक तैयार हो जाना है, और एक दो लोग और हैं, मतलब मेरी फ्रेंड लोग, सब लोग जाएंगे घूमने। और ये देख लीजिए अब उठी है तो पहले चाय बनाई है, कह रही है कि रोज चाय बन जाला, आज ना बनी लो ना। बोली थी 10 बजे, अगर एको मिनट लेट भाई, मतलब 1 मिनट भी लेट होगा तो समझ लें ट्रिप कैंसिल। तो मुझे भी लग रहा है ट्रिप कैंसिल ही होने वाला है। तैयार हो जी बूबूजी आई ना, निके जाए कमान ना जाए के घर में, अब आ जाइए जा। मेरी दीदी मुझे रोज़ तैयार करवा देती है, मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ और ये ना नहीं तैयार होती है। जाना है सारनाथ, और ये मैडम का हरकत हम का ही बताएं आप लोगों को। का दीदी कह नीचे बने लू हम ऐसे नहीं कुछ, तैयार हो जा झट देना ना। चल झट देना तैयार, पे 1 घंटे लगे हमके। दीदी को तो लेके ही जाऊंगी, 1 घंटे लगे नहाने में भी, मुझे नहा के तैयार होने में। हम कहते दीदी तैयार हो गई नहीं है, तो हर काल ये बोल, तू तो रशी धोखा देके अपने पहले उठ गई है, इन्हें की जगह दी हमके। इतना बोल बोका तो रोज मुझे चाय बना के उठा देती है, आज नहीं उठाई है। तो हम आज जाएंगे सारनाथ घूमने, और शांति दी रहेगी रूम पर, क्योंकि आज दीदी को जाना है मनीषा दीदी के यहाँ ना, उनके वो है इनॉग्रेशन है उनकी क्लिनिक का। अगर सारनाथ हम लोग चले गए तब तो वीडियो बनाएंगे दिखाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है ना दीदी। का कह तड़ी तू तो कहत के बड़ू फोन पर झगड़ा नहीं कर तब से। कैमरा बंद होते मैं झगड़ा करेगी, मैं वो है कि हम भूपल नहीं फूल गई बात ऐसे कि सूद की उठल बड़ी ना, आधा 1 घंटा बजे तो रखी उठले तब वो अंडा जन। तो आप सभी को बस ये बताना है हम लोगों को कि हम क्या, हम नहीं कुछ नहीं, कल वो है धनतेरस है, तो मैं रील में देख रही थी अपनी बहन को चांदी का कुछ खरीदना चाहिए। हाँ तो खरीद दे हमरा के जट देना। तो क्या तुम बहुत कुछ देना, अब तुम दोगी मेरे को? क्या सब हम बकवास कर रहे हैं महीना के। और हम सोच रहे हैं कि दीदी के साथ में ही जाएंगे, दीदी के यहाँ, जैसे कि हर साल दीपावली मनाते हैं। क्योंकि नहीं जाएंगे तो फिर उसकी भी दिवाली उतनी खास नहीं हो पाएगी। हम लोग के साथ ही, मतलब तीनों बहन हम साथ में दिवाली मनाते हैं, और जिया जी को भी बुरा लगेगा कि देखो नहीं आई। और नहीं तो, वहाँ पे तीन ही लोग रहते हैं ना, एक अरम में जिया जी बचिया। तो अभी ना हमने रंगोली का कोई सामान खरीदा है ना कुछ भी,
अभी ये वाला पूरा रूम भी साफ करके ही जाएंगे क्योंकि दिवाली है तो बनता है। कल हमें निकलना है, हमें कोई सामान कोई शॉपिंग नहीं करी है, हर बार की तरह वही होगा, उधर ही से खरीदते हुए बस बजाएंगे। रंगोली का सामान लेकिन महंगा पड़ता है ना। तो रंगोली शांति दी जल्दी पैसा नहीं देती, कहती है खरीद लो बाद में देती रहूंगी, अब वो झंझट झगड़ा। उसके पास इतना 200 काम है। ए मुझे ओकर बात नहीं को कहा, तू कहे लागे लो कि तू खरीद ल हमो देत रह छटके मानता है छटकना। और क्या बोल रही थी मैम, हाँ ये घर भी साफ करना है, बाहर का पूरा साफ करना है। सोच रही कैसे साफ करूँ, ऊंचा है तो सीढ़ी चाहिए उसके लिए। हाँ सब जाले वाले भी साफ करने हमारे पास सीढ़ी है ही नहीं, और वो भी नहीं है लंबा वाला डंडा से जो साफ करते हैं, तो बस जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ। अब मुझे हो गई है सर्दी, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी जाने का। अच्छा ये वाला जो सीजन आता है, हम लोग ऐसा देखते हैं कि हम तीनों लोगों की तबीयत खराब रहती है सबकी, है ना। और मेले से हम लोग क्या खरीद के लाए, थोड़ा दिखा दो। ये मैं गाय खरीद के लाई, ये सब मिट्टी का है। अरे हो दिखा दे। ये गाय को ना बकरी के जैसा थोड़ा सा बना दिया है, लेकिन गाय बुझाता थे। हाँ बुझाते। और दिखाओ हो गुड़िया। ये भी लेके आए हैं, ये देखिए ग्वालिन। ग्वालिन होती है ये, कहा ला वो तो कहा रावण की ग्वालिन ही है, ये कितना सुंदर लग रहा है। सबसे क्यूट चीज दिखाती हूँ मैं, क्या लेके आई हूँ, मेरे बाल गोपाल एकदम शाइनिंग शाइनिंग से मतलब बनाया गया है, पर दिख नहीं रहा होगा कैमरे में। तो बस यही कहना था, और कल रात में हम बस वही खा के सो गए, है ना दीदी। अरे थोड़ा तो चावल, पता नहीं लीवर में कुछ इन्फेक्शन हुआ है क्या हुआ है, झगड़ा करने में कुछ इन्फेक्शन नहीं हुआ है पेट में, और कुछ भी खाना नहीं खा रही है 2 दिन से। कल जाके इसका मैं नमक से नज़र उतारी हूँ, तो थोड़ा सा इतना सा बस चावल और नमक खाई है। इतना कुछ इसके लिए लेके आई थी, मम्मी ने इतना कुछ भिजवाया था, पर कुछ नहीं खाई हूँ, थोड़ा बहुत खाई हूँ बस, इतना इतना टेस्ट की है, पता नहीं क्यों सब मैं सताई हूँ, मैं खाई हूँ। मन खराब हुआ था, कुछ खाता नहीं था, इसको भी लग रहा है टेस्ट कराना पड़ेगा एक बार। मुँह फूल गुस्सा, माथा दुखा गया, लेकिन कैमरा हैंडल। चलिए ठीक है, हम लोग ऐसे बक 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 चलता रहेगा। वीडियो को तो आप लोग देख नहीं रहे हैं, सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं आप लोग, फिर भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं। हाँ अभी स्पेशल वीडियोज आने वाली हैं दिवाली से रिलेटेड, हम लोग एकदम अच्छे से तैयार होंगे, आउटफिट अपना दिखाएंगे। और वो ना हमने ऑन कैमरा झगड़ा कर लो, नहीं जा ऑन कैमरा का तो बट नहीं बड़ो हिम्मत का, ऑन कैमरा का ऑफ कैमरा कितना लड़े। ऑन कैमरा करके दीदी को तैयार करवाते हैं और उसको घसीट के लेके चलते हैं। दे दे मुंह में बे, फुल दे दो गल बड़ी से, दे दे मैं बे तैयार करवा सकता चाय लेके, हमारा हम तो सखी थोड़ी ना है। आप लोग सोच रहे मैं इसको ऐसे मारने की धमकी दी, बहुत दुष्ट है ये, पीठ पीछे बहुत झगड़ी है मेरे से, तू और तो ताते हरना चाहे कह तैयार करा के कह के न जली। तो चलिए पैसे मांग रही थी मेरे से, ये भी बता दो 1000। शांति दी देख के पैसा गई है मुझे 200। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आगे अगर साथ ना जाएंगे अगर झगड़ने के बाद। बहुत मानती है इसको, चुप्पे चुप्पे पैसे लेके जाती है, मेरे को नहीं देती है। दीदी तो सामने 200 रुपए दे हुए हैं, हम की कैसे होगा तब, ऐसे गेम के कहवे की खर्चा हो ज्यादा कर रख लिया। देख ली ना, देख लिया। अच्छा तोर पैसा हमारे पैसे बराबर है ना भाई, दे नहीं पाकिट में कब बराबर है, खर्चा 300 रुपए हम कल खर्चा करेंगे, 300 खर्चा करेंगे तो संग ही ना खर्चा करेंगे। चलो ठीक है, ये सब झगड़ा बाद में, फोन बंद कर लेता हूँ, बाय बाय, चल तैयार हो। आई होप मिलते हैं कल सारनाथ के वीडियोस में, चले जाएंगे तब देखिए क्या होता है।